हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। फ्रेंड्स, जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक करिए। प्लस मुझे बताइए कि आपने मेरी वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने यूएन नंबर को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है, बिल्कुल इजी वे में आपको बताऊंगा। और एक्टिवेट करना यूएन नंबर को बहुत ही जरूरी है। बिना यूएन नंबर एक्टिवेट किए आप अपनी ऑनलाइन में ना तो पासबुक देख सकते हो, ना तो अपनी विड्रॉल लगा सकते हो, मतलब ना अपने केवाईसी अपडेट कर सकते हो, कुछ भी आप बिना यूएन एक्टिवेट के नहीं कर सकते। तो मैं बिल्कुल इजीस्ट वे बताने वाला हूँ आपको यूएन को एक्टिवेट करने का, बहुत सिंपल वे, आपको पहली बार में समय लग जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्या करना है, एक साइट खोलनी है। मैं आपको साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक साइट है, यूनाइटेड पोर्टल -member.epf.government.in। आप मेरा डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे राइट साइड में एक आपको ये देखिए फ्रेंड्स लिंक दिखेगा, ये देखिए फ्रेंड्स राइट साइड में एक्टिवेट यूएन, ठीक है। इस पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे ये पूछेगा कि यूएन नंबर बताना है, जो भी आपका यूएन नंबर है, ठीक है। अगर आपको यूएन नंबर नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंटर मेंबर आईडी नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, आप आधार कार्ड भर दो, पैन कार्ड भर दो, फिर नाम भर दो, फिर डेट ऑफ बर्थ भर दो, मोबाइल नंबर भर दो और ईमेल आईडी भर दो। और यहाँ पे आप भर दो कैप्चा कोड और गेट ऑथोराइजेशन पिन पे कर दो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आपने पीएफ वालों को दिया था, मतलब जहां पे आप जॉब कर रहे हो, आपने जब जॉब के टाइम पे जो आपने एम्प्लॉयर का नंबर दिया था उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहां पे भर दो, आपका यूएन नंबर सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। आपको पासवर्ड पूछेगा तो सब भर देना, मतलब इजी तरीका है, एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट के बाद आप अपने केवाईसी अपडेट कर सकते हो, विड्रॉल लगा सकते हो, मतलब कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स, एक चीज का ध्यान रखो, यूएन एक्टिवेट करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने यूएन एक्टिवेट नहीं किया तो आप कोई भी ऑनलाइन सर्विस नहीं ले सकते, आपको सारे काम पीएफ ऑफिस में जाके करवाने होंगे। और पीएफ ऑफिस वाले बिल्कुल कोई भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, वो मिसगाइड करते हैं, कभी वहां भेजेंगे कभी यहां भेजेंगे। मेरा फ्रेंड एक्सपीरियंस रहा है, मैं दिल्ली के बड़े से बड़े ऑफिस में गया हूँ, उन्होंने बहुत मिसगाइड किया है। तो ये बहुत ही जरूरी है। फिर भी कोई अगर आपके मन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। वैसे भी मैं बहुत हर कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और सब्सक्राइब करना वीडियो अच्छी लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।